आज हम लोग सॉल्व करेंगे नाइन्थ क्लास के चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स के एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी देन शो दैट। और यहाँ पे हम लोगों को फोर पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि हम लोगों को प्रूव करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोगों को एक फिगर दे रखी है और बोला गया है कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है और इस ट्रेपेजियम में ए बी पैरेलल है किसके, सी डी साइड के पैरेलल है। एक पॉइंट और हम लोगों को दे रखा है कि ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। तो इस ट्रेपेजियम में ए डी कहने का मतलब ये वाली जो साइड है ये इक्वल है किसके, इस साइड यानी कि बी सी के इक्वल है। तो ये दोनों साइड्स कैसी हैं, आपस में इक्वल है, मतलब इस ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल है। तब फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है। मतलब एंगल ए का मतलब देखिए ये वाला एंगल, तो ये एंगल इक्वल है किसके, इस एंगल बी के इक्वल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इसको एक छोटे से कंस्ट्रक्शन के साथ में। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ट्रेपेजियम ए बी सी डी की इस सी वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि पैरेलल है किसके, ए डी के पैरेलल है। और यही लाइन जो हम लोगों ने पैरेलल ड्रॉ करी है, ये जब ए बी को प्रोड्यूस किया जाता है तो मान लेते हैं कहाँ पर मिलती है, पॉइंट ई पर मिलती है। और ऐसा कर देने से देखिए यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाता है, कौन सा, ए ई सी डी। ठीक है, तो चलिए इतनी बात हम लोग पहले मेंशन कर देते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल ए ई सी डी में हम लोग देखें तो देखिए ए ई साइड पैरेलल है किसके, सी डी साइड के। क्यों, क्योंकि ए बी पैरेलल दे रखी है किसके, सी डी के। और जब ए बी को आगे तक प्रोड्यूस किया जाएगा तब भी ये साइड क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, सी डी के। और साथ ही हम लोग देख रहे हैं कि ये ए डी जो साइड है ये पैरेलल है किसके, सी ई के, बाई कंस्ट्रक्शन। ऐसा कंस्ट्रक्शन किया हम लोगों ने सी ई लाइन ड्रॉ करी है पैरेलल किसके, ए डी के। इसका मतलब इस क्वाड्रिलेटरल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि आमने सामने की साइड्स के दो पेयर्स कैसे हैं, पैरेलल है। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हों तो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम बन जाता है। सो नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए ई सी डी क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि ए डी साइड इज पैरेलल टू सी ई। एंड दूसरा पॉइंट क्या है हम लोगों के पास में कि ए ई इज पैरेलल टू सी डी या डी सी भी कह सकते हो। और अब जब हम लोग कह रहे हैं कि आमने सामने की साइड्स के दोनों पेयर्स पैरेलल हैं, देयर फोर ए ई सी डी क्या बन जाता है, देयर फोर ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब जब हम लोगों ने प्रूव कर दिया है कि ए ई सी डी अपने आप में एक पैरेललोग्राम है, तो हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम की तो आमने सामने की साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब जो ए डी साइड है वो किसके इक्वल होगी, उसी ई साइड के इक्वल होगी। ठीक है, लिख देते हैं, तो देयर फोर ए डी साइड इज इक्वल टू वॉट, ये किसके इक्वल होगी, सी साइड के। सो दिस इक्वल टू सी ई, क्योंकि आमने सामने की साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। बट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया है, हम लोगों को दे रखा है कि ए डी तो बी सी के इक्वल है। ठीक है, इस पॉइंट को भी मैंशन करते हैं। बट हम लोगों को क्या दिया है कि ए डी तो भाई किसके इक्वल है, ए डी तो बी सी के इक्वल है। और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये किसके बेसिस पर हम लोगों ने यहाँ पर लिखा, क्योंकि गिवन कंडीशन है। ठीक है, तो आप देखो हम लोगों के सामने दो इक्वेशंस तैयार हो रही हैं, और इन दोनों ही इक्वेशंस में हम लोग देखें तो ए डी यहाँ भी है और ए डी यहाँ भी है। मतलब दो इक्वेशंस हैं और दोनों इक्वेशंस की एक साइड इक्वल है। और जब भी कभी ऐसा हो कि दो इक्वेशंस की एक साइड इक्वल हो तो उनकी दूसरी साइड्स भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस के बेसिस पे क्या कह सकते हैं, देखो हम लोग कह सकते हैं बाई इक्वेशन नंबर वन एंड बाई इक्वेशन नंबर टू। तब हम लोग कह सकते हैं कि सी किसके इक्वल होगा, सी ई बी सी के इक्वल होगा। ठीक है, पॉइंट लिख देते हैं, सो सी ई इज इक्वल टू बी सी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हम लोगों ने क्या शो किया कि सी ई किसके इक्वल है, बी सी के। तो देखिए फिगर में सी ई कहाँ पर है, मतलब ये इक्वल है किसके, इस बी सी साइड के। तो जब हम लोग इन दो साइड्स को देखने का काम करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये दो साइड्स तो देखिए इस ट्राइंगल का पार्ट है ना, इस ट्राइंगल की दो साइड्स हैं। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल बी ई सी। और जब ये इस ट्राइंगल की साइड्स हैं तो ये आइसोसेलस ट्राइंगल हुआ। और हम लोग जानते हैं कि आइसोसेलस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके सामने वाले एंगल्स भी कैसे होते हैं, इक्वल। मतलब सी ई के सामने कौन सा एंगल है, ये है, और इस बी सी साइड के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला है। ठीक है, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो एंगल्स हैं ना इनको नेम दे देते हैं। चलो इसको हम लोग कह देते हैं एंगल वन, इसको कह देते हैं एंगल टू, इसको कह देते हैं थ्री, और इसको कह देते हैं फोर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो सी ई साइड है ना, और सी ई साइड के सामने वाला एंगल क्या है, थ्री। तो हम लोग कह सकते हैं इसके बेसिस पर कि एंगल थ्री किसके इक्वल है, देखो बी सी के सामने, बी सी के सामने क्या एंगल है, एंगल फोर है। तो एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। और ये भी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थ्री। ठीक है, अब देखो
ए ई सी डी अपने आप में क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और अगर एक पैरेललोग्राम है ये, तो एंगल वन और एंगल फोर कैसे एंगल्स हैं, कंजुकेटिव एंगल्स हैं, और एक पैरेललोग्राम में कंजुकेटिव एंगल्स का सम कितना होता है, 180 ना, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, नाउ एंगल वन प्लस एंगल फोर इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री कंजुकेटिव एंगल्स हैं, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फोर। अगेन हम लोग फिगर पर आए और यहाँ पर देखें तो एंगल टू यानी कि ये वाला एंगल और एंगल थ्री, ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, देखिए स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये लाइन फॉल हो रही है, मतलब ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर में है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए एंगल टू और एंगल थ्री का, 180 होना चाहिए, ये पॉइंट भी लिख देते हैं। सो अगेन हम लोग कहेंगे कि एंगल टू प्लस एंगल थ्री इन दोनों का भी सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, और ये बन जाती है इक्वेशन नंबर फाइव, और ये किसकी वजह से, लीनियर पेयर, और ये पॉइंट हम लोगों ने किसकी वजह से लिखा था, कंजिक्यूटिव एंगल्स, सो कंजिक्यूटिव एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर फोर और फाइव हमारे सामने दो इक्वेशंस हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों इक्वेशंस की जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ, 180, और हम लोग जानते हैं कि कभी भी जब दो इक्वेशंस हों और उन दो इक्वेशंस की एक साइड इक्वल हो तो दूसरी साइड्स भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी ना। ठीक है, तो ये बात अब लिखते हैं हम लोग, तो कह सकते हैं बाई इक्वेशन कौन कौन सी, इक्वेशन नंबर फोर एंड फाइव क्या लिखा जा सकता है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, एंगल वन प्लस फोर, मतलब एंगल वन प्लस फोर किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एंगल टू प्लस एंगल थ्री के, तो एंगल टू प्लस एंगल थ्री हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि एंगल थ्री तो किसके इक्वल है, एंगल फोर के, तो चाहे तो एंगल फोर की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, एंगल थ्री रख सकते हैं, रख देते हैं चलिए यहाँ पर, तो एंगल वन तो हम लोगों ने एज इट इज़ लिखा, और इस एंगल फोर की जगह पे फॉर्म इक्वेशन नंबर थ्री हम लोग क्या रख सकते हैं, एंगल थ्री रखा जा सकता है, चलिए रख दीजिए, एंड दिस इक्वल टू एंगल टू एज इट इज़ रखा, और यहाँ पर एंगल थ्री है, करेक्ट है। अब देखिए इक्वल का साइन यहाँ पर है, इक्वल के इधर देखें तो एंगल थ्री है, इक्वल के इधर देखें तो भी एंगल थ्री है, कभी भी जब इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो एंगल थ्री से एंगल थ्री कैंसिल हो गया, इसका मतलब इधर से क्या मिलता है एंगल वन, और इधर से हम लोगों को मिलता है एंगल टू, और फिगर से हम लोग देखें तो एंगल वन का मतलब क्या है, ट्रेपेजियम का एंगल ए। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज के एंगल वन की जगह रख सकते हैं एंगल ए, और एंगल टू की जगह पे क्या रख सकते हैं, ट्रेपेजियम का एंगल बी। ठीक है, और यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी थी फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को क्या प्रूव करना है, यहाँ प्रूव करना है कि एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है, तो फिगर से देखें तो एंगल सी का मतलब क्या है, ये वाला एंगल, और एंगल डी का मतलब है ये वाला एंगल, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल सी यानी कि ये एंगल इक्वल है किसके, इस एंगल के। चलो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ना इनको भी नेम दे देते हैं, तो इसको कह देते हैं हम लोग एंगल फाइव और इसको कह देते हैं एंगल सिक्स, तो क्या निकालना है हम लोगों को, हमें प्रूव करना है कि एंगल फाइव और एंगल सिक्स आपस में कैसे इक्वल है। ठीक है, अब देखिए फिगर पर फिर से आए, तो हम लोग देख रहे हैं कि ए ई पैरेलल है किसके, ए ई पैरेलल है इस सी डी साइड के, और इन दो पैरेलल लाइंस को ये जो लाइन है ए डी वो क्या करती है, कट करती है, मतलब ए डी अपने आप इन दो लाइंस के लिए क्या है, ट्रांसवर्सल, और अगर ए डी ट्रांसवर्सल है तो एंगल वन और एंगल सिक्स कैसे हुए, को इंटीरियर एंगल्स हुए, और अगर ये को इंटीरियर एंगल्स हैं तो इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, इस पॉइंट को मैंशन कर देते हैं, तो अब लिखते हैं हम लोग नाउ एंगल वन प्लस एंगल सिक्स कितना होगा, 180 डिग्री होगा, और रीज़न क्या है इसका, कि दोनों कैसे एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं, करेक्ट है। इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर, देखो इसको तो मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सिक्स, और तब इसको कह सकते हैं इक्वेशन नंबर सेवन, करेक्ट है। तो एंगल वन प्लस सिक्स कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ, दोनों का सम को इंटीरियर एंगल्स होने की वजह से। फिर से कहें तो देखिए ये दो लाइंस पैरेलल हैं, और BC तब क्या कर रही है, इन दोनों लाइंस को कट करती है, मतलब BC अपने आप में ट्रांसवर्सल है, और अगर BC ट्रांसवर्सल है तो एंगल 2 यानी कि ये वाला एंगल और एंगल 5 ये दोनों कैसे एंगल्स हो जाते हैं, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है और पैरेलल लाइंस के बीच में है, मतलब को इंटीरियर एंगल्स हुए ये दोनों भी, और इन दोनों का भी सम कितना होगा तब, 180 डिग्री होगा, करेक्ट है। तो कह सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 5 कितना हुआ, 180 डिग्री, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7, और इन दोनों के लिए रीज़न क्या है, रीज़न है को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब हम लोगों के सामने फिर से देखो दो इक्वेशंस तैयार हुई, और हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों ही इक्वेशंस की जो राइट हैंड साइड है, देखिए यहाँ राइट हैंड साइड में क्या है, 180 डिग्री, और यहाँ भी राइट हैंड साइड में क्या है, 180 डिग्री,
मतलब इन दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड्स इक्वल है, तो जब राइट हैंड साइड्स इक्वल है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी होंगी कैसी, इक्वल होंगी ना। मतलब एंगल 1 प्लस 6 इक्वल होगा किसके, एंगल 2 प्लस एंगल 5 के। इस बात को लिख देते हैं, तो बाई इक्वेशन नंबर 7 एंड 8 कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 6 मस्ट बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 5 के इक्वल होगा, करेक्ट है। अब हम लोग जानते हैं कि एंगल 1 तो किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, 6 में ऐसा हम लोगों ने शो किया है। मतलब चाहें तो 1 के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, एंगल 2 रख सकते हैं, तो चलिए यहाँ पर हम लोग एंगल 2 रख देते हैं। तो यहाँ पे 1 की जगह पर रखा एंगल 2, एंगल 6 एज इट इज़ लेके चले, यहाँ पे एंगल 2 एज इट इज़ रखते हैं और एंगल 5 हम लोगों ने एज इट इज़ लिखा। अब हम लोग देख रहे हैं इक्वल के इधर भी क्या है, एंगल 2, इक्वल के इधर भी एंगल 2 है, तो एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो गया। कभी भी जब इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो बचा क्या, इधर बचता है एंगल 6 और इधर बचता है एंगल 5। मतलब एंगल 6 का मतलब क्या है, फिगर से देखें तो एंगल डी है, सो दिस इम्प्लाइज के एंगल डी इक्वल है किसके, एंगल सी के, करेक्ट है। या फिर सी को पहले लिख दीजिए, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, और यही प्रूव करना था हम लोगों को सेकेंड पार्ट में, करेक्ट है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर, और इसमें हम लोगों को प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए डी। तो फिगर से देखें तो ट्राइंगल ए बी सी का मतलब ये वाला ट्राइंगल जो कि हम लोगों ने रेड कलर से शो किया है, और बी ए डी का मतलब देखिए ये वाला ट्राइंगल जो कि हम लोगों ने ब्लू कलर से शो कर रखा है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। जब हम लोगों को प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो कितने पॉइंट्स की जरूरत है, 3 पॉइंट्स की जरूरत है, और ऐसे 3 पॉइंट्स जो किसी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन को सेटिस्फाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए ढूंढते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में वो 3 पॉइंट्स। तो देखिए पहले आते हैं हम लोग इस रेड ट्राइंगल में, तो रेड ट्राइंगल की जो बी सी साइड है वो किसके इक्वल है, इस ब्लू ट्राइंगल की ए डी साइड के इक्वल है। ऐसा क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है ना कि बी सी इज इक्वल टू ए डी, तो एक पॉइंट हम लोगों को मिला। दूसरा पॉइंट हम लोग देखें तो इस रेड ट्राइंगल की जो ए बी साइड है वो इस ब्लू ट्राइंगल की भी साइड है, मतलब ए बी साइड दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है तो इक्वल होगी, दूसरा पॉइंट मिला। तीसरे पॉइंट के लिए हम लोग देखें तो इस रेड ट्राइंगल में जो एंगल 2 है, देखिए ये वाला जो एंगल है वो इस ब्लू ट्राइंगल के किस एंगल के इक्वल होगा, एंगल 1 के इक्वल होगा, यानी कि ए, करेक्ट है। और ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है क्या कि एंगल ए और एंगल बी कैसे हैं, आपस में इक्वल है। तो देखिए हो गए ना 3 पॉइंट्स, और क्राइटेरियन कौन सा लगा, ये साइड लिया है, फिर एंगल लिया है, और फिर ये साइड लिया है, मतलब साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इस बात को मेंशन कर देते हैं, तो हम लोगों ने मेंशन किया कि एबीसी ट्राइंगल और बीएडी ट्राइंगल में जो बी सी साइड है वो ए डी के इक्वल है, ऐसा गिवन है। देखिए यहाँ पर हम लोगों को दे रखा है एंगल 2 और एंगल 1 आपस में कैसे हैं, इक्वल है, ऐसा हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं। और ए बी साइड इन दोनों ही ट्राइंगल्स का पार्ट है, मतलब दोनों की कॉमन साइड है। और इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वॉट, ट्राइंगल बी ए डी। तो ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं किस क्राइटेरियन से, एस ए एस क्राइटेरियन से, ठीक है। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम लोग जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब जो ए सी साइड होगी इस ट्राइंगल की वो किसके बराबर होगी, इस ट्राइंगल की बी डी साइड के इक्वल होगी। सो हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज कि ए सी साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू बी डी साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आती है। और ए सी का मतलब क्या है, देखिए ए सी का तो मतलब है ट्रेपेजियम का डायगनल, करेक्ट है। तो डायगनल ए सी इक्वल हो गया डायगनल बी डी के, ऐसा हम लोगों ने प्रूव कर दिया। सो दिस इम्प्लाइज के डायगनल ए सी इज इक्वल टू डायगनल बी डी, राइट। और यही चीज़ हम लोगों को फोर्थ पार्ट में प्रूव करनी थी, और ये चीज़ हम लोगों को थर्ड पार्ट में प्रूव करनी थी। आई थिंक सारे ही पार्ट्स आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।